राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम है, सुबह के 6 बज गए हैं, और सबसे पहले मैं नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि जब छुट्टी रहती है तो मतलब सबसे पहले अपना नहाना धोना ही कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद सबसे बाद में ही होता है फिर नहाना धोना काम करने के बाद। तो इसलिए पहले आज मैंने सबसे पहले नहा धो लिया है, उसके बाद ही मैं अपने घर के सारे काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि नहाने के बाद ये रहता है कि बस नहाने की छुट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं नहा गई हूँ, और नहाने के बाद पूजा पाठ कर लेती, पर अभी हमने पूजा वूजा करनी नहीं है, क्योंकि जो हम पूजा गांव से करके आए थे तो उसकी केयर होती है 6 महीने की। तो बस 6 महीने के बाद ही हमारी केयर खुलेगी, और उसके बाद ही हमारे घर में पूजा पाठ शुरू होगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और उसके बाद जो मोटा टॉवल था वो मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, क्योंकि वो बालों में बांधूंगी तो बाल दर्द हो जाते हैं, और बार बार वो टॉवल बालों से निकलता रहता है, फिसलता रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे पास दूसरा टॉवल है जो हल्का है, तो ये जो हल्का टॉवल है इसको मैं अपने बालों में अच्छे से लपेट लूँगी, ताकि बालों को इससे फोल्ड करके रख दूँगी ना, तो बाल अपने आप ही अंदर धीरे धीरे सूख जाएंगे, और जितने भी मेरे घर के काम हैं मैं उनको कर लूँगी, उसके बाद ही अपने बालों को अच्छे से खोलूँगी और बाद में बनाऊँगी। तो जब तक गीले हैं तो बालों को टॉवल के अंदर ही रहने दूँगी, उससे ये होता है कि हमारे बालों को भी थोड़ा मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गर्म स्टीम मिलनी चाहिए, तो बस टॉवल लगा के हमारे बालों को अच्छी सी स्टीम मिल जाती है, जिससे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बालों में टॉवल लगा दिया है, और उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करूँगी, और बच्चे भी उठ गए हैं बिस्तर से। वैसे तो बच्चों को मैं बोल के रखती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि बिस्तर से उठते ही अपने बेड को अच्छे से बिस्तर को बना लें, क्योंकि बेड अगर आप ऐसे ही छोड़ के जाओगे तो पूरा दिन फिर बिस्तर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मम्मी और कामों में लगी रहती है। तो बस यहाँ पे बच्चे अपना बिस्तर से उठते ही जब छुट्टी रहती है तो बिस्तर अच्छे से बना देते हैं, और उसके बाद ही अपना फ्रेशनेस होने के लिए जाते हैं। तो जब तक वो फ्रेश व्रेश होके आएंगे तब तक मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, और जो रात के बर्तन हैं पहले उनको स्टैंड में लगा दूँगी, ताकि कंडी खाली रहेगी तो जो चाय के बर्तन होंगे वो मुझे धोने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले अपने किचन में आते ही जो कंडी में बर्तन रहते हैं रात के, उनको मैं स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि हमारी मॉर्निंग की जो चाय स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद मतलब चाय की कोई गिनती नहीं होती कि कब जाके चाय रुकेगी, क्योंकि मम्मी हैं। तो अभी पहले उनको काली चाय दूंगी, उसके बाद फिर सफ़ेद चाय, फिर उसके बाद एक घंटे बाद फिर चाय चाहिए होती है, मतलब चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो बस इसलिए चाय के बर्तन ही इतने हो जाते हैं। तो इसलिए कंडी के जो बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, ताकि मुझे दिक्कत ना हो बाद में धोने में। चलिए अब बना लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले जो आटा हमारा रात का बचा रहता है ना, पहले मैं उसको यूज कर लेती हूँ, क्योंकि अनु को बोलते हैं ना थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हाँ कभी कोई मजबूरी हो या फिर थोड़ा सा बचा हो तो कोई बात नहीं है। वैसे भी रात को हमें उतना ही आटा लगाना चाहिए जितना हमें लगता है कि हमें उतनी रोटी बनानी है, तो बस इसलिए मैं आटा उसी हिसाब से मलती हूँ। जितने हम 4 जने हैं तो बस मुझे पता रहता है कि सबने कितनी रोटी लेनी है और कितनी नहीं, अगर हम ज़्यादा रोटी बनाएंगे तो वो भी वेस्ट ही जाती है। तो इसलिए बच्चों से पूछ लें या सबसे घर में पूछ लें कि उन्होंने कितनी रोटी लेनी है, उसी हिसाब से हमें रोटी बनानी चाहिए, क्योंकि अन्न हमें बड़े मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए हमें अन्न की कदर करनी चाहिए। तो बस इसी वजह से मेरा यही रूटीन है कि मैं आटा उसी हिसाब से मलती हूँ, और मॉर्निंग के लिए आटा ज़्यादा नहीं बचाती हूँ, और थोड़ा बहुत आटा तो हमें चाहिए होता है जो हमें गाय के लिए चाहिए होता है, तो बस उसी को ही यूज़ करती हूँ, उसी ही रखती हूँ। और अगर कागजी की कभी जल्दी टूटी आई हो तो बस जो थोड़ा सा आटा बचा रहता है उसी से मैं रोटी बना देती हूँ, और बाकी गाय को दे देती हूँ, मतलब सभी के लिए नहीं बनाती हूँ रोटी, तो इसलिए मैं आटा कम ही मलती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे बातों ही बातों में हमारी रोटी भी बन गई है और ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो बस सभी को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं भी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं कामों में लग गई ना तो फिर ब्रेकफास्ट मेरा ठंडा हो जाएगा और ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं
चाय अपने लिए रख दी है कप में, और फटाफट से सब्जी ले जाऊंगी और रोटी, और पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे उसके बाद सारे काम करूंगी। क्योंकि एक बार काम में लग जाते ना तो फिर नाश्ता करना तो भूल ही जाते हैं, तो इसलिए सबने नाश्ता तो कर ही लिया, तो मैंने सोचा मैं भी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद अपने कामों पे लग जाऊंगी। क्योंकि घर में काम इतने होते हैं कि आदमी मतलब ब्रेकफास्ट करना हम भूल ही जाते हैं, तो इसलिए रावत जी भी बोलते हैं आप साथ ही साथ हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लिया करो, नहीं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और वाकई में मुझे लेट हो ही जाता है, क्योंकि जब हम अकेला रहते हैं सबको नाश्ता करा देते हैं तो उसे उसके बाद अपनी चिंता तो रहती नहीं है कि टाइम से नाश्ता करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं नाश्ता करके आ गई हूँ, और सबसे पहले आई हूँ रूम में, क्योंकि रूम में बेड अच्छे से बनाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड में जो ब्लैंकेट थी उसको अच्छे से तय लगा दिया है, और उसके बाद अपने बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है, अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है ताकि बेड मेरा खूबसूरत लगे। और उसके बाद यहाँ पे टेबल में कल के कपड़े थे तो बस वो सूखे हुए थे, तो रात को टाइम नहीं मिला मुझे, तो मैं यहाँ पर उन कपड़ों की अच्छे से तय लगा दूँगी। तो रावत जी भी बोले थे उनको मार्केट जाना है, तो पूछ रहे थे आप भी चल रहे हो या मैं सब्ज़ी ले आऊँ, तो बस यहाँ पे मैंने बोला आप ही ले आओ सब्ज़ी, एक दो सब्ज़ी ले आना, क्योंकि अब वो हमसे पूछते हैं कि कौन सी सब्ज़ी खानी है और क्या क्या लाऊँ, तो बस हमें भी खुद समझ नहीं आता है, क्योंकि सब्ज़ी कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, और मम्मी भी बिल्कुल भी, उनको भी बाहर की सब्ज़ियाँ खाने के लिए बोलते हैं तो वो भी नखरे ही करते हैं, तो बस वो हमको खुद ही समझ नहीं आता कि क्या सब्ज़ी लानी है। तो वह मैं उनसे यही कहती हूँ जो मार्केट में दिखेगा एक दो सब्ज़ी ले ही आना, क्योंकि घर में सब्ज़ी रहेगी तो बनी जाती है, और बताने से तो फिर समझ ही नहीं आता कि ये भी नहीं खानी, ये भी नहीं खानी, वो भी नहीं खाना, तो इसलिए मैंने उनसे कहा जो मार्केट में मिलेगा वो ले ही आना। तो बस यहाँ पे वो चले गए हैं मार्केट में, और मेरे कपड़े जो थे यहाँ पे उनको अच्छे से तय लगा दूँगी और उनकी जगह पे रख दूँगी, जो बच्चों के कपड़े हैं उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी, और जो हमारे हैं उन्हें अलमीरा में डाल दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मेरे कपड़ों की तय लग गई है, और जो इतने भी कपड़े हैं उनको उनकी सही जगह पर रख देंगे। तो सभी कपड़ों को रख दिया था मैंने, जो जहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ रख दिया है, और अपने कपड़े भी मैंने अलमारी में डाल दिए हैं, और उसके बाद जो सामान हमारा रूम में फैला रहता है पहले उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, ताकि हमको जो क्लीनिंग करनी होती है घर की, डस्टिंग करनी होती है, उसे करने में दिक्कत ना हो। तो बस जितना सामान घर में बिखरा हुआ था वो मैंने अच्छे से समेट लिया है, और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मैं टीवी वाले रूम में, तो सबसे पहले टीवी में भी कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि धूल तो सभी जगह लग जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने टीवी को अच्छे से क्लीन कर दिया है, वैसे तो रोज़ रोज़ डस्टिंग का काम नहीं हो सकता है, पर वीकली हफ्ते में एक दिन हमें ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें हमें सिर्फ ये रहे कि हमें काम करने के बाद अपने मतलब काम करने से पहले, झाड़ू करने से पहले डस्टिंग का काम कर ले, ताकि जितनी भी डस्टिंग है वो सीधा नीचे आ जाएगी, तो फिर हमें झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्योंकि अगर हम डस्टिंग बाद में करेंगे तो फिर झाड़ू दोबारा भी लगानी पड़ सकती है, इसलिए सबसे पहले अपना डस्टिंग का काम कर लें, उसके बाद ही हम अपने घर को झाड़ू पोछा करेंगे घर में। बस यहाँ पे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और जो मेरी ये मतलब जो मेरा डोर है उसकी रैक है ये स्लाइडिंग वाले डोर की, तो बस इसको अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी धूल जम जाती है जो मतलब दिखाई नहीं देती है, बस जब हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे ना तभी वो धूल नीचे गिरती है, तभी पता चलता है कि हाँ वहाँ धूल जमा हो रखी है। तो बस यहाँ पे मैंने आज अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दी है, और दरवाज़ा भी अच्छे से साफ़ कर दिया, तो उसके बाद जो डस्टिंग करी थी वो ड्रेसिंग शीशे में भी वहाँ से गिर गया था, तो इसलिए मुझे ड्रेसिंग शीशे को भी अच्छे से क्लीन करना पड़ा। तो बस यहाँ पे अब सारी डस्टिंग का काम हो गया है मेरा। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं बच्चों के कंप्यूटर के साइड पे, और बच्चों की यहाँ बुक्स ऐसी ही फैली हुई हैं, तो पहले इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, जहाँ बच्चों की बुक्स रहती हैं, नोटबुक्स रहती हैं, उन्हें वहाँ अच्छे से अरेंज कर दूँगी, ताकि बुक्स और जो नोटबुक्स होती हैं वो ईज़िली बच्चों को मिल जाए। तो यहाँ पे बुक्स के साथ ही बच्चों ने पेन भी ऐसे ही रख दिए थे बुक्स के अंदर, नोटबुक्स के अंदर, तो बस यहाँ पे मैंने जितने भी बच्चों के पेन थे वो उठा के उनके
मतलब जो बॉक्स है पेन बॉक्स उसमें रख दिया है और बाकी सब अच्छे से अरे एडजस्ट कर दिया है। और उसके बाद जो यहाँ पे बच्चों ने ड्रायर और प्रेस रखी हुई थी तो बस उनको बच्चों के ही उसमें डाल दिया है जहाँ बच्चों के कपड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छे से तय करके रखो ना कपड़े को तो वहाँ पे काफ़ी जगह बची रहती है। तो बस मैं प्रेस और ये जो ड्रायर मशीन जो होती है वो उनको वहीं एडजस्ट कर देती हूँ। तो चलिए, कंप्यूटर के टेबल में जितना भी सामान था वो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है और यहाँ पे थोड़े बहुत जो डस्टिंग का काम है वो कर दूँगी। वैसे तो टेबल ऐसी जगह है डेली डेली यहाँ वर्क होता है तो इसलिए यहाँ पे इतना गंदा नहीं होता है, तो फिर भी जब आज डस्टिंग का काम मैंने उठाया है तो इसलिए मैंने सोचा कंप्यूटर के टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे कंप्यूटर टेबल भी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो चलिए, डस्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। हफ्ते में एक बार हमें डस्टिंग का काम ज़रूर उठाना चाहिए क्योंकि डेली डेली तो हम काम करते ही हैं पर डस्टिंग डेली डेली नहीं हो सकती है, तो इसलिए एक दिन हफ्ते में एक दिन ज़रूर डस्टिंग का ही काम करें। इससे हमारे ऊपर ज़्यादा काम का भार नहीं रहता है और काम भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है और साफ़ सफाई पूरी तरीके से रहती है। तो चलिए, यहाँ पे बाल भी मेरे अच्छे से सूख गए हैं। तो चलिए, अब बालों को अच्छे से कॉम कर लूँगी और थोड़ी देर बैठूँगी धूप में, क्योंकि मॉर्निंग में जब जल्दी उठो तो जल्दी काम भी निपट जाते हैं। और मेन ये है कि नहाने का अगर काम पहले करती मैं तो फिर नहाने के लिए अब जाना था मुझे, पर आज मॉर्निंग में सबसे पहले नहाने धोने का काम किया है फिर घर के काम करे हैं जो मुझे डस्टिंग का काम करना था। और चल, ब्रेकफास्ट भी हो गया है मेरा तो अब सीधा जाके धूप में बैठ जाऊँगी क्योंकि शरीर के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही लंच की तैयारी करूँगी क्योंकि रावत जी भी तब तक आ जाएंगे। लंच करने के लिए कहा था उन्होंने कि वो घर में ही आएंगे लंच करने के लिए। तो चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो एंड करूँगी और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।